हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं स्मॉल फिश करी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। हमने 500 ग्राम स्मॉल फिश लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ताज़ा है। इसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। ये बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है। कढ़ाही में डालेंगे 4 से 5 चम्मच सरसों तेल, तेल गरम हो चुका है। इसमें फिश को डालकर हम फ्राई करेंगे। एक साइड से फ्राई हो चुका है, अब इसे पलटकर हम फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह सभी फिशेस को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। हमने सभी फिशेस को निकाल लिया है। बचे हुए तेल में डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, थोड़ा इसको चटकने देंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ सरसों डालेंगे। हमने पीली सरसों का इस्तेमाल किया है, उसे पीस लिया था। 1 मीडियम साइज का टमाटर डालेंगे, इसे हमने बारीक काट लिया है। 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1/4 स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें हम, और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। ये देखिए अच्छे से भून रहा है। 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से हम भूनेंगे कि साइड से तेल छोड़ने लगे। ये देखिए साइड से तेल छोड़ रहा है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। स्मॉल फिश में ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहता है, इसलिए कम पानी डालेंगे हम, और इसे हम चला देते हैं, और 1 उबाल आने तक हम वेट करेंगे। ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब इसमें फ्राई किए हुए फिशेस को हम डाल देंगे। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम पकने देंगे इसी तरीके से। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए बहुत अच्छा कलर आया है और अच्छी तरीके से पक रहा है ये। गैस को फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसे हम सर्व कर लेंगे। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप देख लिए, इसको बनाना बहुत आसान है।